दिनांक 27 जुलाई 2022 को हिंगना के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। गिला अकाल घोषित करे, सीधे किसानों के खाते में मुआवजे की राशि को जमा किया जाए, इस मांग को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। पिछले कई दिनों से हिंगना के सभी इलाकों में धुआंधार बारिश शुरू है। मूसलाधार बारिश से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 2019, 2020 और 2021 साथ ही साथ 2022 में अतिवृष्टि हुई थी, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार में तहसील के किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की। किसान को निराशा मिली। किसान कर्ज निकाल कर खेती करता है, लेकिन निसर्ग के मार से घाटे में है। वही दो वर्ष से कोरोना काल में किसान पूरी तरह से हतबल हो चुका है। अब किसान सरकार से मदद मिलने की आस पर है। ऐसे हालात में हिंगना तहसील में गिला अकाल घोषित करे और किसानों के खाते में पैसे जमा कर सरकार की ओर से सहायता की जाए, इस हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर हिंगना तहसील अध्यक्ष दीपक नासरे, जिला अध्यक्ष सतीश कोल्ले, इनके मार्गदर्शन से जिला उपाध्यक्ष सचिन चिटकुले, हिंगना विधानसभा संगठक गुड्डू पारधी, विधानसभा सचिव नंदू पोटे, तहसील सचिव वैभव मुड़े, तहसील संगठक शुभम भोकरे, वाहतुक सेना संगठक नीलेश भुरसे के साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सरकार तक इस मांग को गंभीरता पूर्वक पहुंचाकर समीक्षा की जाएगी, ऐसा आश्वासन हिंगना के तहसीलदार प्रियदर्शनी बोरकर द्वारा दिया गया है। BC News के लिए हिंगना से आशीष गोंडा ने।